बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप सब के लिए आज हम बहुत आसान और बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि है चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी टिक्का। वो हम पतीले में बनाएंगे और आप देखेंगे माशाल्लाह से इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है, इतना ही अच्छा ये खाने में है। ये तंदूरी टिक्का हमने किस तरह से रेडी किया है, इसके लिए आपको वीडियो कम्प्लीट देखनी होगी। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी ये ज़बरदस्त सी आज चिकन टिक्का रेसिपी कि हमने कैसे बनानी है। तो आपने हमारी वीडियो देखनी है, पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू कर रहे हैं हम अपनी रेसिपी को बनाना, जो कि हम बना रहे हैं चिकन तंदूरी टिक्का। इसके लिए हमने ये टिक्का पीस लिया है, ये है 1/2 kg। और इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सिरका 2 टेबल स्पून, दही है 3 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ऑयल है 2 टेबल स्पून, एक जो है नींबू का रस हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, 1/4 teaspoon है फूड कलर हमारे पास, इससे जो टिक्का हम बनाएंगे उसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, 1/4 teaspoon ही काली मिर्च का पाउडर है, 1/4 teaspoon गर्म मसाला पाउडर है, और हमारे पास है 1 teaspoon भुना कुटा ज़ीरा। और इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्चें, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम से ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने ली है 1 teaspoon। अब हमने करना ये है कि हम एक बाउल के अंदर जो है ये तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं इनको मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमने सिरका डाला, ऑयल डाला, अब इसके अंदर हम दही डाल रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और अब तमाम जो ड्राई मसाले हैं वो डालेंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। और अब हमने इसके अंदर ये लेमन जूस डालना है, इसको हमने दोबारा मिक्स कर देना है मसाले के साथ जो हमने नींबू का रस डाला है। और इसके बाद जो हमारे पास टिक्का पीस है उसके अंदर हम ये मसाला लगाएंगे। हमने 1/2 kg के टिक्के लिए 1-1 पाव का टिक्का इस टिक्के पर देखें इस तरह से कट लगा देने हैं ताकि मसाला जो है ना अंदर तक चला जाए इसमें। हाथों को बहुत अच्छे तरीके से धोने के बाद जो है कुकिंग का काम स्टार्ट किया जाता है। और मैरिनेशन को हाथ से जितना अच्छा हम कर सकते हैं ना, स्पून से बिल्कुल भी सही नहीं लगता, मुझे तो सही नहीं लगता। बहरहाल हाथ बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इसको हमने मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। हमने इसको मसाला लगा के रख दिया था, अब 2 घंटे के बाद हमने इसको पकाना है। और हमने इसको पकाना है एक पतीले के अंदर, इस तरह से हमने एक पतीला ले लेना है जिसके अंदर ये दोनों टिक्के जो हैं आराम से आ जाएं। ये देखें जी, हमने पतीले के अंदर डाल दिया है इन टिक्का पीस को। इसके बाद अब हमने जो है फ्लेम ऑन कर देना है, और जब इसके अंदर बबल बनना स्टार्ट होंगे तो फिर हमने इसको कवर कर देना है। और कवर करने के बाद हमने फ्लेम को जो है ना स्टार्ट में हमने रखना है स्लो, और इसके बाद हमने इसको चेक करते रहना है और इसको टर्न भी करना है ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा पक जाए और इसका अच्छा सा कलर आ जाए। हमने टिक्के को पकाना शुरू किया था तो हमने इसको कवर कर दिया था, अभी मैंने कवर हटा कर उसके जो है चेक किया है ताकि मैं इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दूं। और आप ये देखें कि इसने दही और जो ऑयल वगैरह था और चिकन का अपना पानी था ये इसी के अंदर जो है बहुत अच्छे से गल जाएगी। करते हैं चिकन को, क्या पोजीशन है इसकी। फ्लेम को जो है मीडियम कर दिया है हमने, ये जो पानी इसका रहता है ना इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये देखिए जी, इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो गया और ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब हमने करना ही है कि फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। टिक्का रेडी करने के बाद हमने इसके अंदर जो है एक कोयले को दहका कर और वो रख दिया है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि बहुत अच्छी सी जो है स्मोक बन जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा जो है तंदूरी टिक्का रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करते हैं, जिसके लिए हमने एक प्लेट ली है जी। माशाल्लाह ये देखें,
माशाल्लाह माशाल्लाह कितना शानदार हमने चिकन टिक्का जो है वो रेडी कर लिया है और इसको हमने पतीले में बनाया है। कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से घर में भी बाज़ार जैसा टिक्का रेडी कर सकते हैं। आज हमने बनाया है चिकन तंदूरी टिक्का। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप जो है हमें अपना फीडबैक दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।